हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग पार्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ठीक है, इस प्रॉब्लम को मैंने नेटवर्क ड्रॉ कर ली है। सबसे पहले आपको नेटवर्क ड्रॉ करना होता है, जैसे जैसे आपको दीवान है। इस नेटवर्क को ड्रॉ करने के बाद हमारा अगला काम है, हमको मीन टाइम और मीन टाइम निकालना है। तो मीन टाइम इस फॉर्मूला की सहायता से हम लोग निकाल सकते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमको निकालना होता है स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरियंस, वो भी हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करने के बाद हम वापस नेटवर्क में मीन टाइम को यहाँ पे लिखते हैं, टी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जैसा कि मैंने किया है। अब मीन टाइम को करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके सहायता से उस प्रोजेक्ट का क्या करते हैं, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम निकाल लेते हैं, ठीक है, हर एक्टिविटी को। तो एक्टिविटी के जो प्रोजेक्ट टाइम ड्यूरेशन है, एक्टिविटी के ड्यूरेशन उसको ऐड करने के बाद हमको प्रोजेक्ट का टाइम निकल जाता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने किया है, लेंथ ऑफ द पाथ, डिफरेंट पाथ है उसमें, तो उस पाथ को कैलकुलेट करने के बाद अलग अलग ड्यूरेशन आ रहे हैं। तो जिसमें अपन मैं देख सकता हूँ, जैसे 17 है जो कि लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट है। तो जो लॉन्गेस्ट टाइम होता है वही हमारा क्या होता है, क्रिटिकल पाथ होता है। तो हमारा जो 1356 जो क्या है, ये जो पाथ है हमारा क्या है, क्रिटिकल पाथ है, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट है, ठीक है। अब इस लॉन्गेस्ट पाथ को क्या हो गया, 17 वीक्स है। अब आपको वेरियंस निकालना है, तो वेरियंस भी हम लोग निकाल लिए यहाँ से, जो वेरियंस है उसको ऐड करने के बाद तो वो 9 आ रहा है। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन निकाल लेंगे तो वो 3 वीक्स हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था, कौन सा, जेड। तो जेड का जेड इज इक्वल टू क्या होता है, जेड का जो फॉर्मूला था टी माइनस टीसीपी अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। तो टी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या बोलते हैं, एक क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है कि 4 वीक अर्लियर। तो 4 वीक अर्लियर मतलब हमारा जो टाइम क्या है, 17 से 4 वीक पहले, मतलब 13 वीक। तो ये हो जाएगा 13 माइनस 17 अपॉन 3। इसको कैलकुलेट करने से होता है -1.33। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम टेबल C2 से, टेबल C2 से जाके वहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि Z नंबर में 133 के लिए क्या वैल्यू आ रहा है। तो वहाँ से हमको वैल्यू दिखता है 0.9082। तो 0.90 निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव हो, तो निगेटिव को क्या करेंगे, 100 में से माइनस करने से हमको जो परसेंटेज मिल रहा है 4 वीक अर्लियर में प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का, वो 9.18% है। इतना ही परसेंटेज में वो प्रॉब्लम जो है ये जो कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट उसमें कैलकुलेट करते हैं आफ्टर 4 वीक, ठीक है, नॉट आफ्टर 4 वीक। तो 17 वीक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, उसमें 4 वीक जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 21। तो 21 माइनस 17 अपॉन 3, तो 1.33 हो जाएगा। और इसके लिए हमारा जो प्रोजेक्ट कंप्लीशन, जो प्रोजेक्ट की प्रोबेबिलिटी है कंप्लीट होने का, वो हो जाएगा 90.82, ठीक है, 90.82% है जो प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के चांसेस है। ऐसे करके हम लोग डिफरेंट जो है पार्ट में जो कैलकुलेशन है वो कर सकते हैं, जेड नंबर निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से बनाइएगा। थैंक यू।